स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। इसी बीच यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण पर निकली। इस दौरान उन्हें रास्तों में विकट परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, नदी पार करते समय रेणु बिष्ट गिर भी गई, जिन्हें उनके साथ चल रहे अन्य लोगों ने संभाल लिया। आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह रेणु बिष्ट अचानक नदी के बीच गिर जाती हैं। अपने निरीक्षण के दौरान रेणु बिष्ट ने यमकेश्वर के आपदा प्रभावित अरोली, अमगांव और अमाड़ी कली गांवों में नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से भी मुलाकात की। विधायक रेणु बिष्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखती हैं कि आप धरातल पर उतरे बिना स्थिति की गंभीरता को कभी नहीं जान सकते। जनप्रतिनिधि का अर्थ वीआईपी नहीं बल्कि जनता के दर्द को, उसकी दबी आवाज को सबसे उच्च शिखर तक पहुंचाना होता है। वह लिखती हैं कि यदि क्षेत्र की जनता कठिनाइयों में हो तो जनप्रतिनिधि कैसे घर पर रह सकता है। उसे उस कठिन परिस्थितियों का अनुभव सरकार तक पहुंचाना ही होगा। अरे यार वहां तुम गई हो, रुक जाओ मैं आऊं, आराम से आओ, जूते निकाल देते यार, आराम से ट्रैक पे। यहां से बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।